सौ पैंतीस एल एस। एक दोस्तों इस हेड में जो आवाज़ों वाला है ना वो बहुत ज़्यादा ही रहता है, अब कोई ना कोई आ ही जाता है। जैसे बस आ रही है, उसके बाद कार आ रही है, तो इसका क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये इसका कार्बोरेटर और ये है इसकी फ्यूल नॉइक, ठीक है। और जो इसकी फ्यूल लाइन थी उसको हमने डिसकनेक्ट कर दिया है, और ये है हमारी फ्यूल लाइन, और अब डाल देते हैं इसके अंदर हमारी फ्यूल लाइन को, ठीक है। ये दोस्तों देख सकते हो आप, कनेक्ट हो चुकी है हमारी फ्यूल लाइन, इसकी फ्यूल को ऑफ कर दिया है। और इसमें है 100 ml फ्यूल, ये थोड़ा हिल रहा है, ठीक है। और इसकी नॉक को हम कर देते हैं ये ऑन, इसकी नॉक को भी कर दिया ऑन। अब इसको वापस लगा देते हैं। तो दोस्तों जिसका ट्रिप मीटर है वो भी जीरो कर देते हैं। ये BS4 का मॉडल है और इसके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी सिर्फ 5,500 किलोमीटर चल रखी है, ज़्यादा भी नहीं हुई इसकी राइड। और जो इसका ट्रिप मीटर है उसको भी हम जीरो पर सेट कर देते हैं। ये जीरो पर सेट हो चुका है ट्रिप मीटर, और फ्यूल को हमने कर दिया है ऑन। अब इसकी करते हैं राइड शुरू और देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है पल्सर LS। इसका जो लास्ट फ्यूल है वो यहाँ पर है, हमने कार्बोरेटर का यूज़ नहीं किया था इसलिए हम यहाँ पर ही इसको रोक रहे हैं। और अब आपको रीडिंग बता देता हूँ कि कितने किलोमीटर चली है पल्सर LS 132। तो इसकी रीडिंग है 6.1। इस मामले में देखा जाए तो पल्सर LS 135 ने काफ़ी अच्छा माइलेज दिया है। पल्सर जो मेरी है वो दे रही है 60 का, उस 60 का यूँ दे रही है क्योंकि मैंने उसका माइलेज पूरा मतलब बड़ा रखा था, इसलिए। तो उसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है और माइलेज बढ़ जाता है। हमें इसका क्या है, माइलेज बढ़ा नहीं रखा है और अभी तक नहीं है, एकदम न्यू है, शायद सेकेंड सर्विस हो रखी हुई है इसकी। तो उस हिसाब से ये 61 का माइलेज दे रही है अभी 1 लीटर में, तो काफ़ी अच्छा माइलेज है। और कैसा लगा आपको ये माइलेज टेस्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना। और भी काफ़ी नई सारी बाइक्स लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू, बाय। देखो हमारे कुछ मेंबर तो क्या कैमरे के सामने रहते हैं जैसे मैं और विशाल, लेकिन कुछ मेंबर और भी हैं जो कैमरे के पीछे रहते हैं, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी शूटिंग में, गाड़ी अरेंज कराने में। तो मैं आपकी टीम से धीरे धीरे आपको मिलाता हूँ, मैं आज का ही है, ठीक है। तो हर्ष हमारे लिए क्या करते हैं, जब हम दोनों शूट करते हैं तो कैमरा मैनिंग प्लस हमारे लिए जो गाड़ी अरेंज होती है तो अधिकांश हर्ष ही कराता है। मैं और विशाल तो ज़्यादातर शूट में बिजी रहते हैं और मेरे तो कॉलेज वगैरह है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत ही कह सकते हैं, जो मतलब आपको पता ही है कि कैमरा के आगे और कैमरा के पीछे दोनों तरफ काम होना चाहिए, खाली कैमरा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू तो सबको ही है, इस पूरी टीम को, लेकिन स्पेशली सबको ही करता हूँ मैं। तो दोस्तों हम जाते हैं कुछ और वीडियो बनाने, और जो हमारे टीम मेम्बर है वो जा रहे हैं कुछ और बाइकें देखने के लिए, ठीक है दोस्तों।
पीछे दोस्त इसका भी आ रही है, मैं सोच रहा हूँ इसका भी माइलेज कर सकता हूँ, लेकिन ये फुल फैमिली मेम्बर के साथ है तो अभी तो नहीं पूछ सकता, तो फिर मिली तो उससे जरूर पूछूंगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे काम के लिए चलते हैं। वाह ये कौन है? ओके लिया कितने।